हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला के रोहडू विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में सीएम ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। रोहडू विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत हुआ। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की और जनसभा को संबोधित करके डबल इंजन की सरकार के फायदे भी गिनाए। सीएम जयराम रोहडू वासियों को ये बताना नहीं भूले कि क्षेत्र में बीजेपी का विधायक न होने के बावजूद सरकार ने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर चाहे सड़क विकास के लिए 125 करोड़ की योजना हो या फिर सिंचाई एवं पेयजल के लिए 250 करोड़ का फंड, भाजपा सरकार इलाके के विकास में जमकर काम कर रही है। आपके विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी का विधायक वर्ष होते थे, लेकिन उसके बावजूद 125 करोड़ से ज्यादा हमने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों पर इन्वेस्ट किया है। हमारा विधायक नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमें मालूम है कि इस विधानसभा क्षेत्र की जरूरत है। 250 करोड़ से ज्यादा हमने आईपीएफएल के जल शक्ति विभाग में यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में खर्च। आपको बता दें कि रोहडू कांग्रेस नेता और वीरभद्र सिंह परिवार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का अंदाज कुछ अलग ही नजर आया। सीएम ने क्षेत्र के समला में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 साल से जुड़े कार्यक्रम में रोहडू वासियों को 29 करोड़ 65 लाख की अलग अलग योजनाओं की सौगात दे डाली। सीएम ने बमनौली खरील खरशाली हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी बनाने का भी ऐलान कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी। आज मैं आप सबके बीच में अभी एक उद्घाटन की हमारी एक रस्म यहाँ पर होनी है, जिसमें तीन उद्घाटन है और तीन दो उद्घाटन और तीन शिलान्यास है। कुल मिलाकर के 29 करोड़ 65 लाख रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आज हम आपको यहाँ पर करेंगे। रोहडू दौरे पर सीएम के साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी रहे। इसके अलावा प्रदेश भाजपा के कई चेहरे भी मंच पर नजर आए। कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के गढ़ रोहडू में सीएम ने जमकर ताल ठोकी। सीएम जयराम ठाकुर ने जनता के सामने समान विकास कराने की बात कही। सीएम ने कहा कि क्षेत्र में बीजेपी का विधायक न होने के बाद भी सरकार ने समान विकास कराया है।